हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे किया था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, और उसे लास्ट टाइम हमने किया था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल। ये दोनों ऐसे हमारे हो गए हैं। आज हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। हमारी स्टोरी है द लायन एंड द माउस। चूहे और शेर की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, शायद ये स्टोरी भी आपने पहले भी सुनी होगी, इसलिए आज हम दोबारा करने जा रहे हैं ये स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर डे, SUMMER, इट वॉज अ हॉट समर डे। गर्मियों के दिन थे। ए लायन वॉज टेकिंग रेस्ट अंडर ए शेडी ट्री। एक शेर आराम कर रहा था एक छायादार पेड़ के नीचे। शेडी होता है छायादार। ए माउस लिव्ड इन ए होल नियर बाय। ए माउस लिव्ड इन ए होल नियर बाय। एक चूहा भी वहीं पर एक बिल में रहता था। इट केम आउट टू प्ले, वह बाहर आया खेलने के लिए। बाय चांस इट जम्प्ड अपॉन द बॉडी ऑफ द लायन, एकदम से वह शेर के शरीर पर कूदा। द लायन वोक अप, शेर उठ गया। वोक होता है उठना। ही कॉट द माउस इन हिज पा, शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। कोट होता है पकड़ना, पाव होता है पंजा। ही वॉज अबाउट टू किल इट, वह उसको मारने के लिए तैयार ही था। द माउस क्राइड फॉर मर्सी, चूहा आज़ादी के लिए चिल्लाने लगा। क्राइड होता है चिल्लाना। इट सैड ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, चूहे ने कहा ओ जंगल के राजा, हैव पिटी ऑन मी, मेरे पे दया दिखाओ। स्पेयर माई लाइफ, मेरी जिंदगी बख्श दो। आई मे हेल्प यू इन एडवर्सिटी, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। द लायन लाफ्ड, शेर हंसने लगा। हाउ एवर ही लेट इट गो, और उसने उसे जाने दिया। मैनी डेज पास्ड, कुछ दिन बीतने के बाद द लायन वाज कॉट इन ए रोप नेट, शेर एक जाल में फंस गया। शेर एक दिन जाल में फंस गया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, वह अपने आप को आज़ाद करने के लिए कोशिश करता रहा। बट इन वेन, ही बिगेन टू रोर, वह दहाड़ने लगा। द सेम लिटिल माउस हियर्ड रोर ऑफ द लायन, उसी चूहे ने, हियर होता है सुनना, उसी चूहे ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। इट सून केम देयर, चूहा वहाँ आया। इट ग्नर्ड द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ, उसने अपने तेज दांतों से उस रस्सी को, उस जाल को काट दिया। द लायन बिकेम फ्री, शेर आज़ाद हो गया। ही थैंक्ड हिज लिटिल फ्रेंड, शेर ने उस छोटे फ्रेंड का, छोटे दोस्त का धन्यवाद किया। मोरल है डू गुड हैव गुड। एक और मोरल है इसका, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल पाओगे। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये स्टोरी। इट वॉज ए हॉट समर डे, ए लायन वॉज टेकिंग रेस्ट अंडर ए शेडी ट्री। ए माउस लिव्ड इन ए होल नियर बाय,
It came out to play. By chance, it jumped. Jumped होता है कूदना. It jumped upon the body of the lion. The lion woke up. Woke होता है उठना. ये है वेक की सेकेंड फॉर्म. वेक वोक. ही कॉट द माउस इन इज पा. ये कैच की सेकेंड फॉर्म है. कॉट सी ए टी सी एच. कैच होता है पकड़ना. कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट. पा होता है पंजा. ही वॉज अबाउट टू किल इट. किल होता है मारना. द माउस क्राइड फॉर मर्सी. क्राइड होता है चिल्लाना. इट सैड ओ किंग ऑफ द फॉरेस्ट हैव पीटी ऑन मी. पीटी होता है दया. स्पेयर माई लाइफ. स्पेयर होता है बख्शना. आई मे हेल्प यू इन एडवर्सिटी. एडवर्सिटी होती है डिफ़िकल्टी. जब कोई प्रॉब्लम आ जाए एडवर्सिटी डिफ़िकल्टी को बोलते हैं. वो उसको कहता है कि मैं किसी भी ज़रूरत के टाइम तुम्हारी मदद करूँगा. द लोयन लाफ्ड. हाउ एवर ही लेट इट गो. मैनी डेज पास्ट. द लोयन वाज कॉट इन ए रोप नेट. He tried to free himself, but in vain. V-A-I-N. He began to roar. Roar होता है दहाड़ना. He began to roar. The same little mouse heard. ये भी hear की second form है. Heard. E भी आएगा यहाँ पर. यहाँ पर ही मेंशन ई मेंशन नहीं किया गया है. हम ई लगाते देते हैं. हियर्ड रोर ऑफ द लॉयन. इट सून केम देयर. इट नैट द रोप्स विद इट्स शार्प टीथ. The lion became free. He thanked his little friend. कोई भी स्टोरी अगर हम लिखते हैं तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है. मोरल ज़रूर लिखेंगे क्योंकि मोरल से ही हमें पूरी स्टोरी के शिक्षा का पता चलता है. Do good, have good. जैसा करोगे मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल पाओगे. ओके हैव ए गुड डे. आप ये स्टोरी अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे साथ साथ लर्न भी करेंगे. नेक्स्ट स्टोरी हम कल करेंगे. ओके वंस अगेन हैव ए गुड डे. स्टे सेफ स्टे हेल्दी.